एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का व्लॉग है विजिटिंग अटल टनल एके रोहतांग टनल। सो आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप ऑलरेडी मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सो ये ट्रिप हमारा फैमिली ट्रिप था जो कि हमने कुल्लू से स्टार्ट किया था। ये ट्रिप हमने 16th ऑफ अक्टूबर को स्टार्ट किया था, जस्ट टनल के इनॉग्रेशन के बाद, जो कि 3rd ऑफ अक्टूबर को था, जिसे हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था। वी वर वेरी एक्साइटेड टू विजिट अटल टनल। सो इनॉग्रेशन के बाद हमने ये ट्रिप प्लान किया। कुल्लू से अटल टनल का डिस्टेंस 70 किलोमीटर्स है, जो कि 2 आवर्स के अराउंड है, एंड दिल्ली से इसका डिस्टेंस है 550 किलोमीटर्स। अटल टनल जाने के लिए हम मनाली को क्रॉस करते हुए जाएंगे, एंड द व्यू इज जस्ट स्पेक्टेक्युलर। इस रोड पे ड्राइव करने का अलग ही मज़ा है और बहुत ही सुंदर लैंडस्केप है, कहीं भी रुक के हम फोटोग्राफ्स खींच सकते हैं। यहाँ जाने के लिए रोड की कंडीशन भी बहुत अच्छी है, बिल्कुल नया रोड बना है। कुडोस टू बीआरओ। अब टनल आने ही वाली है, एंड अब मैं टनल के बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। अटल टनल, जिसको हम रोहतांग टनल भी बोलते हैं, ये रोहतांग पास के अंडर बिल्ट है। ईस्टर्न परपेंडिकुलर रेंज ऑफ हिमालयास ऑन लेह मनाली हाईवे इन हिमाचल प्रदेश, जिसकी लेंथ 9.20 किलोमीटर्स है, एंड ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट टनल है अबव 10,000 फीट, और इसका नाम हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर है। इस टनल का काम शुरू हुआ था जून 2010 में, एंड 10 साल के बाद ये टनल रेडी हुई है। इस टनल की विड्थ 10 मीटर्स है, इसमें 2 लेन्स हैं, 1 in each direction। इस टनल का मेजर बेनिफिट ये है कि ये मनाली से केलोंग का डिस्टेंस, जो कि 116 किलोमीटर लंबा था, जिसे 6 आवर्स लगते थे इन गुड कंडीशन कवर करने के लिए, वो अब वाया टनल 71 किलोमीटर्स का हो गया है, जिसे हम अराउंड 2 आवर्स में कवर कर सकते हैं, एंड अराउंड 4 आवर्स हमारे बचते हैं। साथ के साथ ये हमें 12 मंथ्स की कनेक्टिविटी भी देता है केलोंग से, जो कि नवम्बर दिसंबर से अप्रैल मई तक हैवी स्नोफॉल के कारण बंद रहती है। अब हम पहुंच गए हैं टनल के साउथ एंट्रेंस में, एंड एंजॉय कीजिए आप कंप्लीट 9 किलोमीटर टनल। बताएं कैसा लग रहा है आपको टनल में आते हुए, जनता क्या कहती है, कैसी लगी टनल? कमाल हो गया, बहुत
सो टनल क्रॉस करने के बाद अब हमारी डेस्टिनेशन है केलोंग एंड इसका डिस्टेंस फ्रॉम अटल टनल इज 42 किलोमीटर अराउंड 1 आवर का टाइम। केलोंग जाते टाइम रोड एंड व्यू बहुत ही सुंदर है, सो एंजॉय कीजिए इसको मेरे साथ एंड रास्ते में बहुत सारे अनकाउंटेबल पिक्चर पॉइंट्स आएंगे, सो कीप योर कैमरा रेडी एंड चार्ज। तो हमने यहाँ पे अक्टूबर के टाइम विजिट किया था ड्यूरिंग फॉल सीजन, सो उस टाइम लीव्स का कलर येलो और ऑरेंज था एंड इससे व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा था एंड उस टाइम काफ़ी सारे टूरिस्ट आ रखे थे एंड मेरा तो मन कर रहा था ले चले जाएं बिकॉज यहाँ से ले सिर्फ 400 किलोमीटर्स रह गया था, बट नेक्स्ट टाइम। तो गाइज अब हम पहुंच गए हैं टांडी में जो कि केलोंग के पास है एंड यहाँ पे चंद्रा भागा नाम की रिवर आपस में मिलती हैं। पहुंच गए हैं केलोंग एंड सामने आपको हिल टॉप पे दिख रही होगी लेडी ऑफ केलोंग, अगर आप ध्यान से देखेंगे। तो अब हम पहुंच गए हैं केलोंग विलेज एंड वहां पे हमने विजिट किया अपने फैमिली फ्रेंड को एंड वहां पे हमने बहुत इन्जॉय किया, उनके एप्पल फार्म में गए, वहां से फ्रेश एप्पल प्लक करके खाए एंड खूब बातें की एंड उनका कल्चर इन्जॉय किया जैसे कि आप देख सकते हैं। आप कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट। नाम क्या है आपका? अरे कितने सारे सेब हैं। ये वाला तोड़ू, ये वाला तोड़ू, ये वाला कौन? ये वाला तोड़ दो। लाल सेब लेना। तो अब हम जा रहे हैं वापस घर एंड देख लीजिए एक बार फिर से रात में टनल का नज़ारा। सो आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।